तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अगरबत्ती मेकिंग मशीन के बारे में बताने वाला हूं। जैसा आप ये मशीन देख सकते हो, तो ये मशीन की सारी जानकारी देंगी मैम। तो मैम का परिचय दे दूं, मैम है पूर्णमा एग्रोजेनिक से। अभी मैं हूं पूर्णमा एग्रोजेनिक में। तो हेलो मैम, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, आपका भी स्वागत हमारे पूर्णमा एग्रो इंजीनियरिंग कंपनी में। तो आज जैसा आप ये मशीन बताने वाले हैं मशीन के बारे में, तो पहले मैं पैकेजिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पावर का है पैकेजिंग, तो ये शायद उसका है, मच्छर वाला है ना? हाँ, मच्छर अगरबत्ती का है सर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पूजा ये सब में जो यूज किया जाता है। अच्छा, आपका और भी तरह का मिल सकता है सर, ये सब आप देख सकते हैं। ये सारा रॉ मटेरियल आपको यहीं से मिलने वाला है। हाँ सर, अगर आप चाहते हैं अपने ब्रांड का भी छपवाना, तो आप अपने ब्रांड का भी छपवा सकते हैं। अच्छा, तो मशीन की बात कर ले तो इसका बताइए मैम, इसका सारा स्पेसिफिकेशन बताइए। कितने एचपी का इसमें मोटर होता है, वो घर की बिजनेस से चलता है कि नहीं चलता है, कितना एरिया चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए? सर ये नॉर्मली देखिए, ये बहुत ही, आप देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटी सी मशीन है। अच्छा, ये आपका सिंगल ही मशीन का सेटअप होता है? बस ये पूरा सिंगल मशीन का सेटअप होता है। अच्छा। सर ये आपको घर के जो नॉर्मली आप घर में चलाते हैं एसी कूलर फ्रिज, आप ये उसी लाइट पे आप इसको चला सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा लाइट लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या, ये हमारी बम्बू स्टिक हो गई सर। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल? हाँ, ये रॉ मटेरियल है, जैसे वो इसका बनता है ना सर। अच्छा, ये मटेरियल देख सकते हो, ये कंप्लीट मटेरियल है ना? हाँ सर। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट है। तो इसका कोई बिजनेस करता है तो कितने एक मशीन का सेटअप होता है? हाँ, एक मशीन का सेटअप कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर? ये जैसे मैं आपका अगरबत्ती जैसे मैं एक देख सकते हैं आप, एक 10 रुपए का आता है ना? अच्छा, एक तो जैसा मैं ये जो देख रहा हूँ पावर का जो ये मच्छर मारने वाला, ये 10 का बिकता है ना? तो ये अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, इसको पैक करके बेचता हूँ, अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर को होलसेलर को देता हूँ, तो ये कितने का मेरे को पड़ेगा? सर रुपए में आपका ये बन के कम्प्लीट, ये 3 से 4 रुपए में बन के तैयार हो जाने वाला, और आपको सारा जानकारी मिलेगा, कॉल पे मिल जाएगा ना मैम? कॉल पे आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, जो नंदलाल छपरा पटना में है, और यहाँ पे आपको तरह तरह की मशीनें मिल जाने वाली है दोस्तों। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारी यहाँ पे आपको लघु उद्योग से रिलेटेड मशीनें मिलने वाली है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहाँ से लोन भी करवा दिया जाता है ना? हाँ सर, लोन, तो लोन की क्या सुविधा, ये बताइए, लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा? सर बस केवल आप आधार कार्ड लेकर आइए। अच्छा। आप यहाँ से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, तो जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी मिलता है क्या लोन? हाँ, सभी को मिल जाएगा सर, ये पढ़े लिखे हो या फिर अनपढ़ लोग, वो सभी के लिए समझा कर सर आपको सभी के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है सर। अच्छा, तो ये तो आज किस वीडियो में हमने बताया आपको की अगरबत्ती का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस की बात करें मैम, तो मशीन की कितनी है सर? स्टार्टिंग प्राइस आपके मुंह करे तो आपके 18,000 से आपको स्टार्टिंग प्राइस, 18,000 से आपको मैनुअल मशीन मिल जाने वाली है यहाँ पे। और बात करें मैम कि कौन कौन सी मशीन है, थोड़ा ये बताइए कि कौन कौन सी मशीन रखा सर? ये जैसे मैं, ये हमारी पल्पलाइजर मशीन हो गई, भारतीय भाषा में बोले तो इसको आप आटा चक्की मशीन कहते हैं। अच्छा, ये आटा चक्की, और उधर में ये सब जो देख रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी मशीन है, ये हमारी हो गई एक दाल मिल मशीन, हो गई मिनी दाल मिल मशीन हो गई। इसका क्या काम होता है मैम? जैसे आप इसमें मसूरी का दाल हो गया, चना दाल हो गया, अरहर दाल हो गया, इसमें दाल की आप छटाई कर सकते हैं। अच्छा, जो दाल मिक्स हो जाता है इसको अलग अलग छटाई कर सकते हैं। और ये सब जो मैं, ये भी हमारी आटा चक्की मशीन ही है। अच्छा, तो इतना छोटा क्यों है सर? ये देखिए एसएस बॉडी में है, अगर कोई कस्टमर डिमांड करते हैं। इसमें इसमें और इसमें फर्क क्या है सर? उसमें फर्क है कि सर देखिए, वो बड़ी 10 HP के मोटर के साथ है वो, ठीक है, और ये अगर कस्टमर डिमांड करते हैं, छोटी मशीन भी डिमांड करते हैं, तो सर सभी के लिए सुविधा है। छोटी मशीन लेना चाहते हैं तो छोटी मशीन भी ले सकते हैं, या फिर बड़ी मशीन लेना चाहते हैं तो बड़ी मशीन भी। तो ये मैं मशीन में देख रहा हूँ, ये चाउमीन के शायद है ना? ये नूडल्स की मशीन बनाया था ना? और वो पाउच पैकिंग मशीन की बात, ये हमारी पाउच पैकिंग मशीन। अच्छा, तो इसका क्या है सर्टिफिकेशन? जैसे मैं आप इसमें कुरकुरे ये इसमें सब, एक मिनट में कितना पाउच पैक होगा? 25 से 30 पाउच पर मिनट आप पैक कर सकते हैं। हां, पर मिनट। और इसमें एक कितनी मशीन का सेटअप होता है सर? एक मशीन का सेटअप होता है सर, सिंगल मशीन। हाँ, सिंगल मशीन का। और इसमें पैक क्या क्या हो जाएगा? जैसे आप कुरकुरे हो गया, नमकीन हो गया, भुजिया ये सब हो गया, आपका ओएस ये सब बच्चे लोग खाते हैं, ये सब आप मसाला ये सब भी पैक कर सकते हैं सर इसमें। अच्छा, मसाला हो गया, मतलब सूखा आइटम सब इसमें पैक होगा। और वही बात कर ले की अगर कोई तेल पैक करना चाहता है, दूध पैक करना चाहता है, तो वो सब तो इसमें नहीं होता? नहीं सर, इसमें नहीं होता, उसकी अलग मशीन है ना? इसमें भी नहीं होगी सर। अच्छा। उसका अलग मशीन आती है सर, उसका अलग मशीन। हाँ। तो वो भी अवेलेबल होगा अपने पास? हाँ सर, हमारे पास अवेलेबल है, मगर गोडाउन पे है सर। और यहाँ पे पेपर प्लेट मशीन का भी स्टॉक देखिए आप, सारा स्टॉक यहाँ पे लगा हुआ है। और अगर आपको कोई भी मशीन लेना है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद सर। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।